1443 में कुंभलगढ़ के महाराजा राणा कुंभा कुंभलगढ़ किले की दीवार बनवाने के प्रयास में असफल रहे थे। महाराणा कुंभा को एक आध्यात्मिक नेता ने बलि देने की सलाह दी। बलि के बाद जहां मानव सिर गिरता है वहां पर दीवार बनाने और जहां पर शरीर गिरता है उसके आसपास किले का निर्माण करवाने की सलाह दी। ऐसा कहा जाता है कि किले की दीवार बनवाने के लिए रहस्यमयी तरीके से हजारों की संख्या में लोगों की बलि दी गई। विश्व की सबसे लंबी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन दूसरी सबसे लंबी दीवार के बारे में कम ही लोग जानते हैं। यह दीवार है मेवाड़ के कुंभलगढ़ फोर्ट में। 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस फोर्ट के परकोटे की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। यह दीवार 15 फीट चौड़ी है, लेकिन इस किले के निर्माण के पीछे काफी दर्दनाक खूनी दास्तां है। 1443 में राणा कुंभा ने इसका निर्माण शुरू करवाया, पर निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। निर्माण कार्य में बहुत सारी अड़चनें आने लगी। राजा इस बात पर चिंतित हो गए और एक संत को बुलाया। संत ने बताया, यह काम तभी आगे बढ़ेगा जब स्वेच्छा से कोई मानव बलि के लिए खुद को प्रस्तुत करे। राजा इस बात से चिंतित होकर सोचने लगे कि आखिर इसके लिए आगे कौन आएगा। तभी संत ने कहा कि वह खुद बलिदान के लिए तैयार है। संत ने कहा कि उसे पहाड़ी पर चलने दिया जाए और जहां वो रुक जाए वहीं पर उसे मार दिया जाए और वहां एक देवी का मंदिर बनाया जाए। ठीक ऐसा ही हुआ। वह 36 किलोमीटर तक चलने के बाद रुक गया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। जहां पर उसका सिर गिरा वहां मुख्य द्वार हनुमान पोल है और जहां उसका शरीर गिरा वहां दूसरा मुख्य द्वार है। महाराणा कुंभा के रियासत में 84 किले आते हैं, जिसमें से 32 किलो का नक्शा उसके द्वारा बनवाया गया था। कुंभलगढ़ भी उसमें से एक है।